हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, जानेंगे कि मिड जनवरी तक आपकी आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। क्या ब्लेसिंग, गुड न्यूज़, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो मिड जनवरी तक? तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग ये टाइमलेस भी है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ज़रूर हो जाएगी। और अगर आपको डिटेल में अपने बारे में जानना है, डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए अपने बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना है, तो आपको रीडिंग बुक करवानी होगी, क्योंकि मैं पेड रीडिंग भी करती हूँ। तो कैसे आप बुक कराओगे? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे को DM कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है? प्राइजेस और सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप अच्छे से पढ़कर रीडिंग बुक करवा लें, ओके? चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिड जनवरी तक क्या गुड न्यूज़, इवेंट, सरप्राइजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। Ace of Swords, Nine of Pentacles, wow, Pentacles के कार्ड आ रहे हैं साथ में Ace of Swords, and High Priestess. Eight of Swords, okay. ये कुछ कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए, और देख लेते हैं कार्ड्स। सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। सिर्फ ये दो कार्ड्स थोड़े से डिस्टर्बिंग है, अदरवाइज सब कुछ अच्छा दिख रहा है। यहाँ से टेम्परेंस का कार्ड है। आई होप कि सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़े से अरेंज कर देती हूँ कार्ड्स को। जी, कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देख रही हूँ वो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की दिख रही है। इसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टेन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। फायर एलिमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है, बट फायर की एनर्जी यहाँ पर है, सेजिटेरियस एनर्जी हमारे पास है, ओके? तो कैसे जाने वाले हैं, आई मीन मिड जनवरी तक क्या अच्छा इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो या गुड न्यूज़? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब आप ये मान लो, ये रीडिंग मेरे को करनी तो 1 तारीख को थी, बट मुझे रूम शिफ्ट करना था तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन 1 तारीख से ही, मतलब ये जो मैं मिड मंथ ये जो कवर करती हूँ रीडिंग में, मुझे फाइनेंशियली काफ़ी प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लाइक आपके पास अच्छे लीड्स आते हुए दिख रहे हैं, या अच्छा कोई प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है, या अच्छी इन्फॉर्मेशन आती हुई दिख रही है, सो दैट यू कैन अर्न इनफ, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है, लाइक फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बट यू नीड टू डू हार्ड वर्क, ये तो आपके लिए है ही, बट स्टिल यू हैव सम फ्रीडम टू डू गुड एक्शन फॉर योर लाइफ, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ ना कुछ विक्ट्री होते हुए दिख रही है, एक अच्छा इवेंट आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे। इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी, एंड जिस भी एरिया में आप स्टक हो, मे बी दीज टू कार्ड्स फॉर योर लव लाइफ, बिकॉज फाइनेंशियली यू आर डूइंग वेरी वेल, बट इन योर पर्सनल लाइफ इफ आई एम टॉकिंग, एंड
एंड फॉर योर लव लाइफ, लव लाइफ के लिए दो कार्ड्स हैं, बट स्टिल यू हैव होप इफ यू कांट सी इनफ, ठीक है, बट स्टिल यू हैव होप. लाइक दिस पर्सन हैज़ लैम्प इन द हैंड, इन हिज हैंड है ना, ही हैज़ लैम्प. एंड थोड़ा सा ये ब्लाइंड है, प्रॉब्लम में दिख रहा है, लेकिन होप तो है ना इसके पास. तो वही चीज़ है, किस पर्सन के पास होप है. तो लव लाइफ को अभी हम बाद में देखेंगे, बट अभी अगर मैं देखूँ तो यस, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ अच्छी ब्लेसिंग, कुछ गुड लक आता हुआ दिख रहा है आपके पास. और इन आने वाले 15 दिनों में, लाइक 15 तारीख तक, आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है. आपके थोड़े ऑब्स्टिकल्स चलेंगे, बट वो इतने मेजर नहीं होंगे कि आप उसको ओवरकम ना कर सको. आप अच्छे से ओवरकम कर लोगे. आपके पास फ्रीडम दिख रही है, आपके पास सपोर्ट दिख रहा है, कुछ 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 ना कुछ विक्ट्री आती हुई दिख रही है. लाइफ आपकी स्मूथली आगे बढ़ रही है, एंड यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड फॉर योर फ्यूचर एक्शंस इन योर वर्क एरिया. यू आर वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ. तो यस, ओवरऑल सिचुएशन अगर देखें तो यस, आप काफ़ी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में. फाइनेंशियली गेन हो सकता है, ओके, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है आपकी लाइफ में. बट लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, ऐसा मैं देख रही हूँ. तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें एकदम से ठीक नहीं होती है. 8 बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, या आइसोलेशन. हो सकता है आपको ये फ्रीडम आइसोलेशन फेज में जाकर मिल रही है, बट दिस आइसोलेशन फेज आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा ही परेशान करेगा. फेथ आपके पास पूरा पूरा है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए फेथ आपके पास है. आप प्रेयर देखो, विजडम आता हुआ दिख रहा है, ओके, विजडम आता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है. डिवाइन अभी आपके लिए प्रेयर करते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए. तो आपके पास, ओह माय गॉड, रिकवरी की भी आ रही है आपके पास. बहुत अच्छा इवेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हो, गुड लक आ रहा है, गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है. जितनी भी तरह का गिल्ट है अपने अंदर से निकाल दो, बिकॉज़ आप अकेले नहीं हो. आपके पास डिवाइन है, डिवाइन की प्रोटेक्शन है, डिवाइन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यहाँ पर देखो, एक की अरेंज करिए, यानी कि कुछ अच्छा रिसोर्सफुल आपके पास आ रहा है, कुछ अच्छे इवेंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विजडम आप अट्रैक्ट कर रहे हो. आपका जो फेथ है डिवाइन पे वो काम कर रहा है, और आप अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करोगे तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि यस, बहुत अच्छी गुड न्यूज़, कुछ रिवॉर्ड रेडी है. एंड स्टिल यू हैव समथिंग इन योर हैंड, सो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, दिस इज़ द मिरेकल फॉर यू गाइज, सो डोंट वरी अबाउट इट. और अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए. किसी भी तरह का अगर काम अभी करना पड़ रहा है, आप अपनी ड्रीम जॉब नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कभी नहीं करोगे, आगे चलकर करोगे. और लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक है वो ख़त्म होने वाली है. इट्स ऑल अबाउट टू कंप्लीट, सो इट्स ओके. लव लाइफ को आप मैनिफेस्ट करो, अगर वो ठीक से चल नहीं रही है तो. अगर आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना तो कीजिए बिल्कुल, लेकिन परेशान होकर नहीं, खुश होकर. यहाँ से देख लेते हैं, लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एडिक्शंस हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं. और देखते हैं, न्यू लव, अनरिक्वायर्ड लव, एक और कार्ड है यहाँ पे, वेडिंग. इवन यू फील दैट देयर इज़ नो केमिस्ट्री, देयर इज़ नो लव, देयर इज़ नो अट्रैक्शन, बट स्टिल दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, बिकॉज यू हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन विद दिस पर्सन. एंड देखो, इंगेजमेंट का भी कार्ड यहीं से ही है. वाओ, सो दीज टू कार्ड, मतलब ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपको ऐसा भी फील हो रहा है, देखो कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लव लाइफ में, बट मुझे लगता है कि इन 15 तारीख तक, mid-January तक चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी. मे बी आपका वेडिंग तक की बातचीत शुरू हो जाए, ठीक है, कुछ के केस में आपका जो शादी को लेके जो चैलेंजेस हैं वो ख़त्म हो जाए, और एक नई ज़िंदगी, एक नए प्यार की तरह आपका रिश्ता बने. या फिर जो लोग, जिन लोगों की लाइफ में बिल्कुल भी लव नहीं है, तो उनके लिए न्यू लव आता हुआ दिख रहा है.
ठीक है, हो सकता है कि जल्दी आपकी उनके साथ शादी हो जाए, तो जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है कि इस मिड जनवरी तक ठीक हो जाएं। ठीक है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपको रास्ता दिखाई देगा, क्योंकि आप फेथ रख रहे हो, कुछ ना कुछ रिकवरी की आपके पास आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ को ठीक कर सकती हैं। लेट्स सी मोर। देखो फिलहाल तो यहीं से ही कार्ड आ गया गुड न्यूज़, तो गुड न्यूज़ तो आप बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हो। अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार। अच्छा, जो भी आप फेस कर रहे हो दीज आर टेम्प्रेरी सिचुएशंस। यस, टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं, टेम्प्रेरी सिचुएशंस हैं। सो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान मत होइए, क्योंकि ये चेंज हो जाएगी। ग्रेट हैप्पीनेस आपके पास आएगा, ग्रेट हैप्पीनेस। ओके, समवन विल गॉसिप अबाउट योर ऑल सीक्रेट्स। तो कुछ लोग हैं जो आपके सीक्रेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा रिवील चीज़ों को ना किया करें। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। तो हो सकता है कि आपको कोई एक फेयर वुमेन मिले जो आपकी मेंटोर बन सकती है, आपको अच्छे से गाइड कर सकती है। ठीक है, तो इनसे आपके सलाह मशवरा होता रहेगा, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो एक एंजल आंसर ले लेते हैं आपके लिए जल्दी से। या फॉरगिवनेस, लोगों को माफ़ कर कर चलें, आगे बढ़ें, किसी से भी कोई गिले शिकवे ना रखें अपने अंदर। ठीक है, चीज़ें बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों के बाद अच्छी होती हुई दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।